अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ समर ड्रेसेस और आउटफिट वेयरिंग आइडियाज़, किस तरह से हम स्लीवलेस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको मिनी फ्रॉक दिखाई है, तो इसके ऊपर ये शॉर्ट बॉडी अपर इस तरह से यूज़ करके हम कोई भी स्टाइल का ले के सेपरेट मिल जाते हैं ईज़िली मार्केट में। तो हम इस तरह से, अगर हमारे पास स्लीवलेस है कोई भी शर्ट या कोई भी इस तरह से मिनी फ्रॉक, तो हम उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो और ये बहुत ही मतलब एलिगेंट लगता है पहना हुआ भी, और इसको किसी भी हम वाइट ट्राउज़र, वाइट लेगिन या वाइट टाइट्स वगैरह के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में स्पेशली। तो मैं भी ये अमूमन इसी तरह से यूज़ करती हूँ। और इसके आगे ये बेल्ट भी लगे हुए हैं, और हम इसी हम फ्रॉक को इस तरह किसी दूसरे कलर्ड इनर शर्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कलर की आप पसंद करते हैं, कुछ भी लाइक करते हैं, तो कुछ भी इसके इनर से सरफेस पे पहन के, इनर सरफेस पे, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से भी एलिगेंट लगता है, और ये इस तरह से है, ये ब्लैक ट्राउज़र के साथ तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और मैंने इसको यूज़ भी किया है, ब्लैक के साथ भी करती हूँ, वाइट के साथ भी। तो ये इस तरह से कलर इनर शर्ट कोई भी लेके, आप लॉन्ग शर्ट बारीक गर्मियों में यूज़ होती हैं स्पेशली, ये तो इस तरह से यूज़ हो जाती है। और अब ये मेरे पास शॉर्ट इनर है, तो इसको मैं किस तरह से यूटिलाइज़ कर रही हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। ये अब फिर हमारे पास एक मिनी फ्रॉक है डीप नेक में और स्लीवलेस है, तो इसको मैं उस इनर के साथ किस तरह से यूज़ करती हूँ ये मैं आपको नेक्स्ट में बता रही हूँ। तो ये मैंने अभी उस ब्लैक डॉट्स वाली फ़्रॉक को इस तरह से इस मिनी इनर के साथ यूज़ किया है, मतलब शॉर्ट इनर के साथ। और इसका बैक से भी नेक काफ़ी डीप है और स्लीवलेस है ये मिनी फ्रॉक, तो इसको हम शॉर्ट इनर के साथ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इसको गर्मियों में कैरी करना बहुत इजी होता है, और इसके ये जो इनर हैं ये भी गर्मियों में यूज़ करने वाले होते हैं, और समर के ये स्पेशली समर में मिल जाते हैं इस तरह के बारीक इनर। और अब इसी डॉट्स वाली फ्रॉक को मैं इस वाली इनर शर्ट के साथ यूज़ कर रही हूँ, और कलर में भी आप इस तरह से लाइट ग्रे कलर में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये भी इस तरह से एलिगेंट लगता है। और ये ब्लैक ट्राउज़र के साथ, टाइट्स के साथ बहुत खूबसूरत लगता है पहना हुआ इस तरह से। और ये एक और शर्ट है, ये भी स्लीवलेस है, और बाजुओं पे इसके स्टाइल है, फ्रिल बनी हुई है, और सेंटर में इस तरह से इसकी डोर लगी हुई है, जिससे इसको हम थोड़ा टाइट भी कर सकते हैं कमर से, और जितना लूज़ रखना हो लूज़ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम शॉर्ट इनर के साथ इसको भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं समर में। और ये इसकी बैक साइड है, और बैक साइड पे ये एक ऊपर नेक पे ये छोटा सा एक चुन्ना मुन्ना सा बटन लगा हुआ है, और अगर नेक आपको तंग पड़ रही है तो इसको खोल के हम यूज़ कर सकते हैं इजीली। और ये इस तरह से बहुत सॉफ्ट लगता है और कूल लगता है गर्मियों में। और ये अब विदाउट है इनर के है, और ये इस तरह से है इसकी शेप, और यहाँ से इसको मैंने थोड़ा सा टाइट किया है इनडोर्स को। और ये इसके बाजू हैं, फ्रिल लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी इनर और कोई भी अपर वगैरह यूज़ नहीं किया हुआ, विदाउट है मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे भी घर में पहनना हो तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं सिंपली। अब इसी आउटफिट को आप इसी तरह से ग्रे इनर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से भी ये अच्छा लगता है, ग्रे बिल्कुल सेम उसके साथ मैच हो गया है। और अगर हम इसको वाइट इनर के साथ भी यूज़ करते हैं तो वाइट के साथ भी बहुत कूल लगता है ये। और ये अगर आपने इसके साथ स्कार्फ वगैरह यूज़ करना है गले में, तो इस तरह से हम स्कार्फ यूज़ कर सकते हैं कोई भी किसी भी कलर में जो आपको अच्छा लगता हो, जो सूट करता हो। और ये मैंने यहाँ पे इसके साथ ब्लैक यूज़ किया है, और ब्लैक भी इसके साथ अच्छा लग रहा है और बहुत ही कूल है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
और ये अब एक ब्लैक कलर में फ्रॉक है, गाउन टाइप की है, और इसमें ये इस तरह से ऊपर स्टाइल बना हुआ है जो बैक और फ्रंट पे इसके गले पे, और ये नेट और क्रोशिया टाइप की है आई थिंक सो, और ये इसका स्टाइल इस तरह से एलिगेंट लगता है। और इसको भी हम इस तरह से शॉर्ट इंट के साथ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपर पहनेंगे शॉर्ट अपर तो फिर उसका जो ऊपर का स्टाइल है वो छुप जाएगा, तो वो इस तरह से नज़र नहीं आएगा। और ऐसे में ये है कि जो ऊपर गले का स्टाइल है और बैक का स्टाइल है, इस तरह से शॉर्ट इनर पहनने से नज़र आता रहेगा। और ये इसकी बैक साइड है, और बैक पे भी इस तरह से ये इसकी स्टाइलिंग हुई हुई है। और आप अगर आपके पास इस तरह की कोई शर्ट्स हैं जो स्लीवलेस हैं, नहीं यूज़ कर सक रहे, तो आप उनको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट इनर वगैरह यूज़ करके गर्मियों में, और पहने हुए बहुत ही ये अच्छे लगते हैं और कूल लगते हैं। और ये अब एक रेड फ्रॉक है मेरे पास इस तरह से, और इसके ये सारी स्मोकिंग हुई हुई है गले पे, और सारी जो चेस्ट पे, चेस्ट वाला सारा एरिया जो है स्मोकिंग करके बनाया हुआ है, डिज़ाइनिंग की हुई है, और बाजुओं पे भी सेम इसी तरह से स्मोकिंग है। और इसकी जो नेक है काफ़ी खुली है और ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन चौड़ाई वाली साइड पे काफ़ी मतलब बड़ी नेक है इसकी, और ये भी बहुत खूबसूरत लगता है गर्मियों में पहना हुआ। और इसके ये शॉर्ट फ्रॉक है, ये भी मतलब किसी भी ट्राउज़र वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं, वाइट के साथ और किसी कलरफुल के साथ, या ब्लैक के साथ तो नहीं ज़्यादा सूट करेगा, लेकिन वाइट के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। अब इसी को हम स्लीवलेस फ्रॉक को, अगर हम इस तरह से स्लीवलेस नहीं यूज़ करना चाह रहे, तो इस तरह से कोई क्रोशिया टाइप का या नेट का इस तरह से कोई अपर लेके हम जो गर्मियों में इजीली हम लोग वेयर कर सकते हैं, तो इस तरह से हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारे जो बाजू हैं वो भी कवर हो जाएं इसके साथ, और हमें गर्मी वगैरह भी ना लगे, तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बैक साइड से इसका स्टाइल कुछ इस तरह से नज़र आता है जब हमने इस आउटफिट को पहना होता है, इस नेट वाले अपर के साथ, या इसको क्रोशिए का बना हुआ है बेसिकली ये। और कैसेस पे जब मैं गई थी तब भी मैंने आपको इस तरह के दिखाए थे, और इस तरह गर्मियों में ये यूज़ किए जाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये पहने हुए इस तरह से। ये है एक शॉर्ट शर्ट है, इसको हम जीन्स वगैरह के साथ यूज़ करते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगती है, और ये भी एक्चुअली स्लीवलेस है, तो ये फ्रंट पे इसकी इस तरह से स्टाइलिंग हुई हुई है, प्लेट्स वगैरह डले हुए हैं। और ये भी अगर हम ऊपर से कुछ नहीं पहनना चाह रहे, तो फिर नीचे से इसके में ज़्यादातर मैं भी इसमें ब्लू इनर यूज़ कर। और ये अब इसकी बैक साइड है, और बैक साइड पे भी इस तरह से ये एक प्लेट डाला हुआ है, और ये भी इसकी इस तरह से स्टाइलिंग की हुई है। और बैक से ये शर्ट थोड़ी सी लॉन्ग है और फ्रंट से थोड़ी सी शॉर्ट है, तो इसको हम लेगिन वगैरह के साथ, टाइट्स वगैरह के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन हम फिर इसको ये रियल में ये कलर ब्लू है, लेकिन यहाँ पे शायद वीडियो में ये ब्लैक नज़र आ रहा है, और इसको इस तरह से हम वाइट कलर का कोई श्रग या कोई किसी और कलर में जो आपको अच्छा लगता हो, ग्रे में या किसी और कलर में, तो आप इसको इस तरह से इस आउटफिट को वेयर कर सकते हैं, और ये भी बहुत खूबसूरत लगता हुआ है इस तरह से पहना हुआ, और जीन्स के साथ और किसी भी वाइट ट्राउज़र के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में ख़ास तौर पे। और इस आउटफिट को सर्दियों में भी हम कैरी कर सकते हैं, और सर्दियों में भी ये बहुत ही एलिगेंट लगता है। और इस तरह से जब हम इस तरह के श्रग वगैरह या इस तरह के अपर यूज़ करते हैं सर्दियों में, तो ये भी खूबसूरत लगते हैं। और ऑफिस वगैरह में तो यहाँ पे इस तरह की ड्रेसिंग होती है आमतौर पे। तो ये आउटफिट बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और बैक पे भी इस तरह से इसके ये स्टाइल है, और ये भी देखने में काफ़ी कूल लगता है। तो ये वाइट कलर में है, इस आउटफिट में ये ब्लैक कलर का स्कार्फ मैं इसके साथ यूज़ कर रही हूँ, और
ये एक्चुअली जो श्रग है ये वाइट कलर में है, लेकिन यहाँ से कलर थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है। हमारे पास एक और आउटफिट है, ये इसकी ये डिज़ाइनिंग हुई हुई है गले पे जी, और ये हमारे इधर पाकिस्तान में तो बहुत ईजीली इस तरह की ड्रेसेस वगैरह मिलती, और ये दोनों साइडों पे इनकी इस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है, और ये बेल बाजू हैं, इन पे भी लेस लगी हुई है बारीक, और इसके सेंटर में भी इस तरह से जाके लगी हुई है लेस, और इसकी स्टाइलिंग की हुई है, और इसके स्लीव जो हैं लॉन्ग हैं, तो इसमें हमें कोई भी इनर यहाँ पर या कोई श्रग वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी बैक पे जो है वो भी एक चुन्ना मुन्ना सा बटन लगा हुआ है जो कि हम खोल के, कुछ नहीं हुआ बेटे, कुछ नहीं हुआ मामा, ये बता रहे हैं ना, तो अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं ना बेटे, इसको वाइंड अप करते हैं, तो वाइंड अप कर रहे हैं, तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।